हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्म्स। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में ट्रेवल कैसे करें। तो यार सबसे पहले तो बात ये है कि हमें मेट्रो स्टेशन जाना है। मेट्रो स्टेशन के बाद वहाँ टिकट काउंटर पे जाना है, या फिर वहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, या फिर टिकट काउंटर पे जाओ या फिर मशीन से। अगर आप पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टिकट काउंटर पे ही जाओ। अगर टिकट काउंटर बंद हो तो इसके बाद ही आप मशीन में जाएं, क्योंकि टिकट काउंटर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार उनको बता सकते हैं और वहाँ से टिकट ले सकते हैं। जबकि मशीन में भी आप वही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक आसानी जो होती है टिकट काउंटर में होती है, उतना झंझट नहीं लेना होता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। मशीन के पास असिस्टेंट है तो वो आपको सब पूरा समझा देगा, वही आपका वो टिकट काट देगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बस आपको पहुंचना है वहाँ पे टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में ले जाने के बाद वहाँ से आपको जहाँ तक जर्नी करनी है उसके लिए आपको टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपको सबसे पहला काम है आप अपना बैग जो है ना मशीन में डाल दे, जहाँ से सिक्योरिटी चेक के लिए आपको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आप अंदर जाने के लिए फ्री है। अंदर जाने के लिए सबसे पहले बात आपको जो कॉइन मिला है उस कॉइन आपको जो टोकन मिला उस टोकन को मशीन में वो कराए, स्कैन करवाए। स्कैन कराने के बाद आपका वो गेट जो बंद है वो गेट खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद आप अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर जा सकते हैं। तो जहाँ से आपका जिस प्लेटफॉर्म में आपका गाड़ी आने वाला होगा आप उस प्लेटफॉर्म में जाए। वहाँ जाने के बाद आपका गाड़ी आएगी, गाड़ी के बाद मेट्रो में चढ़ने के बाद आपको सबसे बड़ी बात ये बात ध्यान रखना कि जिस स्टेशन पे जाना उसका, या फिर आप मैप मोबाइल में खोल लें अगर पहली बार उस जगह पे गए हैं। अगर नहीं तो आपको मैप गाड़ी में ही मैप ऐसे बना हुआ रहता है देखो वहाँ पे, या फिर कुछ कुछ में डिजिटल होते हैं, कुछ कुछ ऐसे लिखा मैप बना हुआ रहता है। तो आप अपने अनुसार से देख लेना आपको कहाँ उतरना है। और इसके बाद वो जो है ना, अगर आपको कहीं उतरना है तो गाड़ी में ये आवाज़ आती रहती है कि यहाँ पे वॉइस होते रहता है कि आपको अगर यहाँ से कोई भी ट्रेन चेंज करना है या फिर मेट्रो से दूसरे मेट्रो में जाना है तो उसका भी इंस्ट्रक्शन गाड़ी देती रहती है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, बेफिक्र होके मेट्रो का एंजॉय लें। हर एक स्टेशन आने के बाद मेट्रो में यह सुविधा दिया गया है कि आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि आप ये स्टेशन आ चुके हैं, या फिर आपको यहाँ से कोई दूसरी मेट्रो में जाना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मेट्रो में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। और एक बात, आप जब भी मेट्रो में चढ़ें तो गेट से थोड़ा डिस्टेंस में खड़े रहें, या फिर अगर आपको सीट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कब चांस रहता है कि आपको सीट मिले, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कहाँ से चढ़े हैं। उसके बाद सीट मिलने के बाद सीट में आराम से बैठे रहें और वहाँ पे आपको दिखाई देगा हर गेट के पास वहाँ मैप में आप देखते रहें कि गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई है। गाड़ी के डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद आप अपना एग्जिट के लिए रेडी हो जाए। आपका स्टेशन आने के बाद आप उतर जाएँ। इसके बाद वो जो कॉइन टोकन जो आपके पास है उसको लेके आप जहाँ से एग्जिट है, यहाँ से जो बाहर निकलने का जो जाने का जो रास्ता है वहाँ पे जाके आप एक उस कॉइन को मशीन के अंदर डाल दें। उस कॉइन को वहाँ पे जो लिए थे कॉइन, उस कॉइन को आप मशीन के अंदर डाल दें, जिससे आपको वो जो बंद गेट है वो खुल जाएगा।